अनेकों पत्रकारों को जिस प्रकार तंग करने की कोशिश की गई, छापे डाले, कईयों को डिटेन किया गया, पूछताछ की गई, तो जो स्वतंत्र प्रेस का जो एक वातावरण है उसको कहीं ना कहीं दमन और सत्ता की ताकत से दबाने की कोशिश की जा रही है। और ये संकेत देता है कि जो केंद्र नेतृत्व है, भाजपा की सरकार दिल्ली में है, वो इस बात से डर रही है कि जनमानस के सोच में अब परिवर्तन आया है। नेशनल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्रारुल्लाह रहमानी। दर्शकों, राजस्थान के विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट के कई बड़े दावे आपने सुने होंगे, लेकिन इन दावों से अलग एक और लड़ाई चल रही है जो कि पार्टी के भीतर है, और वो लड़ाई है मुख्यमंत्री पद को लेकर के उस घमासान की जो लगातार हम कई वर्षों से देखते चले आ रहे हैं। लेकिन आज मैं उस तमाम मामलों को विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एक रिपोर्ट भी, एक बयान भी सुनवाऊंगा, और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि दरअसल अब राजस्थान में अशोक गहलोत के लिए राजनीतिक परेशानी जो है वो आने वाले दिनों में कितनी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि इसकी संभावनाएं लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। तो राजस्थान की सियासत को समझने के लिए हमारे इस खास रिपोर्ट को एक बार जरूर देखें। अनेकों पत्रकारों को जिस प्रकार तंग करने की कोशिश की गई, छापे डाले, कईयों को डिटेन किया गया, पूछताछ की गई, तो जो स्वतंत्र प्रेस का जो एक वातावरण है उसको कहीं ना कहीं दमन और सत्ता की ताकत से दबाने की कोशिश की जा रही है। और ये संकेत देता है कि जो केंद्र नेतृत्व है, भाजपा की सरकार दिल्ली में है, वो इस बात से डर रही है कि जनमानस के सोच में अब परिवर्तन आया है। परिवर्तन हिमाचल प्रदेश में आया, कर्नाटक में आया, अब इन चार राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर भी आएगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो कार्रवाई करी गई वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। पत्रकारों को जिस प्रकार से डराने की, दबाने की कोशिश की गई, मैं उसकी निंदा करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक स्वतंत्र वातावरण में सब लोगों को अपनी पत्रकारिता करने का आज़ादी होनी चाहिए। बहरहाल जो प्रचार चल रहा है, जिस प्रकार प्रधानमंत्री बार बार आ रहे हैं, मेरे ख्याल दोबारा उनका आने का प्रोग्राम है राजस्थान में, लगातार वो आ रहे हैं और आरोप राज्य सरकार पर लगा रहे हैं, लेकिन एक बार भी ये नहीं कह रहे कि पिछले 9 साल के कार्यकाल में राजस्थान प्रदेश के लिए ऐसा क्या विशेष उन्होंने किया। आप यहाँ पर आकर आप घोषणाएँ कर जाएँ, लेकिन जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो ERCP का है, चाहे हमारी जो परियोजनाएँ अटकी हुई हैं धनराशि के अभाव में, रेल परियोजनाएँ हैं, बड़ी बड़ी योजनाएँ हैं, और राजस्थान सरकार का जो हमारा धनराशि बकाया है उसको केंद्र सरकार वापस नहीं कर रही है। पूर्ण बहुमत, मतलब 25-25 सांसद 2 बार राजस्थान में बीजेपी जीत कर गए, लेकिन राजस्थान को कोई विशेष दर्जा, कोई विशेष पैकेज, कोई बड़ी परियोजना, कोई ऐसा संसाधन का दिल्ली से कोई योगदान नहीं मिला जो हम लोगों को अपेक्षित था। अब वो लगातार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आपस में जो खींचतान है भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो जग जाहिर है, मैं उस पर प्रकाश डालना नहीं चाहता हूँ, जनता सब जानती है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि लगातार यहाँ पर हमारी पार्टी के नेता जो आ रहे हैं और हमारे प्रदेश के जो नेतृत्व यहाँ पर हमारी सरकार पार्टी का है, लगातार हम काम कर रहे हैं और समन्वय के साथ हम लोग बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं। और आज स्थिति में हम लोग कहने को हैं कि बहुत अच्छे बहुमत के साथ, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा जो बहुमत हमको पहले नहीं मिला था पिछले कई सालों में, उससे ज़्यादा बहुमत मिलने के बाद यहाँ पर हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे। बहुमत की उम्मीद क्या है कि ज़्यादा बहुमत? देखिए, मैं तो जो मैं प्रदेश भर में घूम रहा हूँ, जो खिंचाव तनाव मैं देख रहा हूँ विपक्ष की पार्टियों के अंदर, और मूलतः राजस्थान में चुनाव 2 पार्टी के बीच में होता है, भाजपा और कांग्रेस, बाकी छोटे दल पहले भी चुनाव लड़ते आए हैं, आज भी चुनाव लड़ेंगे, शायद भविष्य में लड़ें, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा कांग्रेस में होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो मैं देखा है रवैया, 4.5 साल तक बिल्कुल वो आराम की नींद सो रहे थे, जनता की आवाज़ बनने की उन्होंने कोशिश भी नहीं करी, और जनता भी समझ रही है कि अब चुनाव हैं इसलिए यात्राएं निकल रही हैं, आक्रोश यात्रा, परिवर्तन यात्रा, संकल्प यात्रा, लेकिन पब्लिक के इंटरेस्ट की कोई बात नहीं कर रहा। मैंने पहले भी कहा, राजस्थान की जनता के लिए भाजपा का क्या विजन है, क्या रोड मैप है, 5 साल में अगर आप सरकार में आएंगे तो क्या करेंगे। पहले सरकार वसुंधरा जी की थी, जनता ने इसको हराया, लेकिन इन 5 सालों में बीजेपी ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था की कोई परियोजना जनता के सामने प्रस्तुत नहीं करी है, कोई रोड मैप ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया, और जो चुनावी रणनीति होती है उसमें भी कांग्रेस बहुत आगे है भाजपा से। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, ना सिर्फ
इस जिले जहाँ का मैं प्रतिनिधि हूँ टोंग, लेकिन समूचे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को अच्छा बहुमत मिलेगा। ताकि बीच में लोग भी क्या करें, पूरे मुद्दे केंद्र वाले रहने वाले हैं या लोकल मुद्दों पर भी मैदान में रहेंगे। देखिए, अब तो दोनों मुद्दे बराबर हैं, क्योंकि 9 साल जनता ने पूरा बहुमत बीजेपी को दिया, पूरा समय उनके पास था, एक पूर्ण बहुमत की सरकार थी, सिंगल पार्टी मेजोरिटी बहुत सालों के बाद, मेरे ख्याल 1984 के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत किसी एक पार्टी को मिला। लेकिन उस बहुमत का आपने किया क्या? आपने नोटबंदी करी, GST लगाया, आपने ना उद्योग लगाए, ना कालाधन वापस लेकर आ पाए, बहुत सारे वादे किए, स्वच्छ इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेड इन इंडिया, मतलब तरह तरह के नारे दिए, लेकिन धरातल पर वो कारगर नहीं उतर पाए। और आज जो खाई बढ़ गई है, अमीर गरीब की, किसान परेशान है, नौजवान चिंतित है अपने भविष्य को लेकर, छोटे उद्योग बंद हो गए हैं, और लगातार जो अमीर थे वो इतने अमीर हो गए हैं कि वो उनकी दौलत की कोई गिनती नहीं है, और जो गरीब पक्ष था वो बहुत गरीब होते चले जा रहे हैं। इसलिए जनता परिवर्तन चाहती है, और परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इन 4 राज्यों में जो चुनाव होंगे यहाँ पर बीजेपी निश्चित रूप से हारेगी, और 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा वो बहुत निर्णायक चुनाव है, पूरी दुनिया देखना चाहती है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि लगातार कांग्रेस पार्टी का कद और ताकत कार्यकर्ताओं में बढ़ती जा रही है, लोगों के अंदर उनका एक सकारात्मक लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि पहले से ज़्यादा बहुमत लेकर हम लोग जीत कर जाएंगे। एक विदुड़ी को के खिलाफ जो है, एक विदुड़ी को उतारा है भाई, वो तो बीजेपी का निर्णय है किसको कहाँ चुनाव लड़ाना है, क्या जिम्मेदारी देनी है, ये तो उनका अपना निर्णय है। लेकिन पब्लिक को, एक सेकंड, पब्लिक ये अपने आप निर्णय कर लेगी कि किसको कहाँ वोट डालना है। कोशिश हर दल करेगा, हर पार्टी करेगी, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को निभानी पड़ेगी जो अपनी पार्टी का काम करते हैं। मैं किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं सबको जनता पे छोड़ता हूं, वो निर्णय करेंगे कि किसको वोट डालना है, किसको नहीं डालना है। देखिए, ये निर्णय पार्टी का है, लेकिन मैंने कल भी कहा था जयपुर के अंदर, टिकट वितरण हमारे यहाँ प्रणाली एक बड़ी स्पष्ट है, हमारे ऑब्जर्वर्स, हमारे प्रभारी सह प्रभारी जिलों में घूम रहे हैं, आज भी कई जिलों में लोग जा रहे हैं, अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, और कार्यकर्ता जनता का फीडबैक लेकर टिकट दिए जाएंगे। जो जीतने वाला होगा उसी को पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी, बाकी सब उसका समर्थन करेंगे। मैंने कल भी कहा, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये किसी की पसंद नापसंद, किसी का गोट कुछ नहीं चलेगा तेरा मेरा, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट होगा, जो मेहनत धरातल पे कर रहा है, और मैं तो हमेशा युवाओं का पक्षधार रहा हूँ, राहुल जी भी कहते आए हैं, कांग्रेस पार्टी भी कहती है कि नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन जिताऊ हों, पार्टी के प्रति समर्पित हों, जनता में पकड़ हो, उसी को पार्टी टिकट देगी। सत्ता की चाबी जनता के पास होती है, जो जनता के बीच में जाएगा, अपने आप को जनता के बीच में रखेगा, लोगों के दिल दिमाग में राज करेगा, वही व्यक्ति वही दल जनता की सेवा करने के लायक बनेगा। तो अब चुनाव में ज़्यादा समय नहीं रह गया, लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि जो सरकार पूर्ण बहुमत की दिल्ली में है, जिसके पास 25 सांसद हैं, आज वो अपने आप को अधर में पा रहे हैं, वो निर्णय नहीं कर पा रहे किस दिशा में जाना है, ना तो प्रदेश की जनता को स्पष्ट बता पा रहे हैं वो उनके लिए क्या करेंगे, ना अपने लीडरशिप का वो तय कर पा रहे हैं कौन नेतृत्व करेगा और कौन नहीं करेगा, और जो असमंजस है, जो आपसी विवाद और खिंचाव है, वो भी जनता तक पहुंच रहा है। हमारे यहाँ हम सब मिलकर काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, सरकार और संगठन, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हम पूर्ण बहुमत सरकार बनाएंगे। आपका स्वास्थ्य कैसा है? कल आप चेकअप के लिए गए थे, आपका स्वास्थ्य कैसा है? तो प्रभारी तो भाई, प्रभारी तो पिछले चुनाव में बनाया, कौन बनता लास्ट टाइम चुनाव मुझे पता नहीं, तो प्रभारी बनने से कुछ नहीं होता, पब्लिक निर्णय करेगी किसको वोट डालना है। भाई औपचारिक घोषणाएं तो पार्टी औपचारिक रूप से करेगी, लेकिन मैंने पहले भी कहा था, हमारी सबके कार्यकर्ताओं की ये दिली ख्वाहिश है कि जितनी बड़ी जीत पहले यहाँ से कांग्रेस पार्टी की हुई थी उससे ज़्यादा हो। हम लोगों ने काम किया है जनता के बीच में, और मुझे जो स्नेह और आशीर्वाद टोंग के लोगों ने दिया है उसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ, और आने वाले समय में पहले से ज़्यादा बहुमत लेकर पार्टी यहाँ से जीत कर जाएगी। मैंने स्टेटमेंट देखा नहीं है, जो भी भाई चुनाव के समय आरोप लगाना को आम बात है, लेकिन जहाँ तक कामों की बात है, मैं समझता हूँ जनता निर्णय कर रही है कि पहले कितने काम हुए, अब कितने काम हुए, केंद्र सरकार ने कितने काम कराए और हमने कितने काम कराए। ये हमारा पुराना कमिटमेंट है, हम लोग करना भी चाह रहे हैं, लेकिन ये ऐसा है, सुनो मेरी बात, डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन, रेलवेज, ये केंद्र सरकार के महकमे हैं, हमसे जो उम्मीद थी हमने पूरा कर दिया, जब मैं केंद्र सरकार में था हमने पूरी कार्रवाई करी थी, अब न जाने किन कारणों से इस पर कार्रवाई आगे नहीं हो पाई है।
है, इसका जवाब, इसका जवाब तो हमारी सरकार बने हम कर ही रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार आपके घोषणा आज भी हम कमिटमेंट हैं यार, लेकिन केंद्र सरकार ने जो बेरुखी दिखाई है उसका जवाब जनता देगी। मैं तो उतना कहना चाहता हूँ कि जो परियोजनाएं राज्य सरकार की हैं उनमें की कमी नहीं छोड़ी, चाहे मेडिकल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे सड़क बिजली हो, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट्स हैं उस पर केंद्र सरकार को रुचि दिखानी चाहिए थी, नहीं दिखाई, उसका मुझे बहुत खेद है। तो आपने देखा दर्शकों, अब क्या इसके बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि जो बयानबाजी का दौर है, क्या वो विधानसभा चुनाव से मात्र कुछ दिनों पहले तक की अगर ये स्थिति है तो आप समझिए कि पार्टी के भीतर जो लगातार दावे किए जा रहे हैं उन दावों का क्या होगा, दोबारा सत्ता में वापसी के वो तमाम बड़े ख्यालों का क्या। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में जुड़े रही बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज।